करनाल की नई अनाज मंडी से गेहूं की खरीद आज शनिवार से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि मंडी में खरीद की शुरुआत न्यू अनाज मंडी पंचायत एसोसिएशन के प्रधान धर्मवीर की दुकान से मार्केट कमेटी के अधिकारियों द्वारा की गई है। इस अवसर पर मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने कहा कि आज से गेहूं की खरीद की शुरुआत हो गई है। वहीं उन्होंने किसानों से अपील की कि वह साफ सुथरी व सुखाकर गेहूं मंडी में लेकर आए। उन्होंने कहा कि मंडी प्रशासन की ओर से खरीद के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, दुकानदारों को बारदाना उपलब्ध करवा दिया गया है और अब सुचारू रूप से खरीद की शुरुआत हो गई है। वहीं मंडी के पूर्व प्रधान विनोद गोयल ने कहा कि जिला प्रशासन के सहयोग से पास की समस्या जो किसानों को आ रही थी वह सुलझा ली गई है। उन्होंने बताया कि न्यू पंचायत मंडी एसोसिएशन की ओर से जे फार्म उपलब्ध करवाने का भी प्रबंध किया गया है, जिसके लिए नया स्टाफ नियुक्त किया गया है जो दुकानदारों के लिए बहुत उपयोगी है। मंडी पंचायत एसोसिएशन के नवनियुक्त प्रधान धर्मवीर पांडे ने कहा कि वह प्रशासन के सहयोग से खरीद के काम को सुचारू रूप से करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। आज हमारे प्रधान जी की दुकान पे इनके जिम्मेदार की गेहूं आई हुई थी और बहुत बढ़िया साफ सुथरी कणक पक्के आई है। आज इसका मुहूर्त विधिवत रूप से एजेंसियों ने खरीद लिया। एफर्ट की परचेज थी हमारे यहाँ पे और आज हमने जो है ना एक पंचायत ने बैठ के फैसला किया अपने लड़कियों के सुविधा के लिए कि भाई हम एक लड़का हमने यहाँ पर रखा है जो कि पहले गोयल साहब ने यहाँ पर को बताया है। वो आई जे फार्म जो भी मुनीम जो है ना धक्के खाते फिरते हैं दुकान दुकान पे या कमेटी में, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आए और वो निःशुल्क सेवा है मंडी पंचायत की तरफ से वो की जाएगी। जो भी हमारे मेम्बर हैं न्यू पंचायत के वो सभी के लिए हमने ये सुविधा रखी है और ये बहुत बढ़िया काम चलेगा। डेयरी की शुरुआत की है, मेरे ही किसान की बहुत ही बढ़िया साफ सुथरी डेयरी आई है, अधिकारी सारे से सबने पास कर दी है, आज मुहूर्त हो गया है। बाकी न तो किसी किसान को कोई दिक्कत आएगी ना कोई अड़ती कोई परेशान होगा। आज जो सरकार ने मांग बननी है ना, हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं भी कभी भी कोई भी किसान किसी भी वक्त अपनी फसल ले आ सके जो जिसकी पोर्टल पर है। हमने कल ये मांग रखी थी सरकार से, प्रशासन से भी हमारी मीटिंग हुई थी, लगभग कल ही बात ये सारी तय हुई थी इस तरह का हम कुछ समस्या जो है उसको हल करेंगे। हम पूरे प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। जे फार्म के लिए क्या तैयारियां की आपकी एसोसिएशन ने? जे फार्म का ऐसा हर अड़ती परेशान था, अलग अलग जगह जाकर था, कोई 5,000 देव था, कोई 10,000 देव था, कोई फार्म किसी हद को 1,000 देव था। हमने 2 लड़के हायर करे हैं, 3 लड़के, तो हम बिठा के फ्री में काम करेंगे। जितने भी हमारी मंडी एसोसिएशन के जितने भी अड़ती हैं उनका फ्री में ही काम करवाएंगे। हाँ जी, आज करनाल में पहली गेहूँ की डेयरी की खरीद बहुत बढ़िया डेयरी आई जी, आज हमने शुरुआत कर दिया, शुभारम्भ कर दिया। दुकान नंबर 503 से मंडी प्रधान की दुकान से बहुत बढ़िया डेयरी है, विद इन स्पेसिफिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं। तो और किसानों को क्या कहना चाहोगे आप? बढ़िया साफ सुथरी डेयरी लाएं, आते ही उनके द्वारा डेयरी खरीद ली जाएगी। क्या नाम अपना? ईश्वर सिंह, मैनेजर हूँ मैं, एफर्ट करनाल से। ठीक है जी। हाँ जी, आज शुरुआत की गई, क्या कहना है? आज श्री धर्मवीर पाड्डा जो हमारे नवनियुक्त प्रधान हैं उनकी दुकान से हैफड़ के श्री हैफड़ के जो अधिकारी हैं और मार्केट कमेटी के सभी यहाँ पहुँचे हैं और उनकी दुकान से जमींदार का नाम करण सिंह जमींदार का माल आया हुआ था कि जो बहुत ही बढ़िया उन्होंने साफ सुथरा किया हुआ था। मैं तो ये अपील करूँगा जमींदारों से कि भाई वो अगर इस तरह का माल वो अपना अंडर स्पेसिफिकेशन लेकर आएंगे तो मेरे अधिकारी भी कोई ये बात नहीं है कि वो दिक्कत करेंगे, सभी अधिकारी बढ़िया लगे हुए हैं और सबका हमारा भी प्रधान जी की तरफ से पूरा कोऑपरेशन रहेगा कि वो इस मंडी को चलाने में उनका सहयोग रहेगा और टाइम पे सभी अधिकारी भी माल खरीदेंगे। हमारी ऐसा आशा है कि सब मंडी में पूरा बढ़िया वातावरण से माल बिकेगा। आज इसकी शुरुआत की गई है, मैं सभी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मौके पर पहुँच कर डेयरी को देखा और अंडर स्पेसिफिकेशन पाया गया और उसको खरीद लिया। और भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमने आज श्री धर्मवीर जी पाड्डा के नेतृत्व में एक अभियान चलाया कि जो जे फार्म जिसके थ्रू पेमेंट होएगी उसके हमने जो सरल केंद्र हैं जो अटल सेवा केंद्र हैं उसके 2 बच्चों को यहाँ पर नौकरी दी है और उनको देकर पूरा सीजन वो जे फार्म फ्री में कोई बिना किसी शुल्क के जो हमारी पंचायत न्यू पंचायत अनाज मंडी आरती एसोसिएशन के मेंबर हैं उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है कि वो आएँ 504 नंबर पर और वहाँ पर अपना जे फार्म अपलोड कराएं या किसी तरह की भी दिक्कत होगी आई फार्म को अपलोड करने में, जे फार्म के अपलोड करने में, रेडी टू लिफ्टिंग में, वो सभी सुविधाओं के लिए हमने 2 बच्चे जो कि कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं या प्रधान जी के बराबर में कालू राम रामचंद के इसमें दुकान में बिठा दिए हैं और पूरी सेवा हमारी पंचायत की तरफ से फ्री
आप लोगों को दी जाएगी और हम व्यवस्था हमने अभी 40% के करीब अपनी पंचायत में बारदाना बांट दिया है सरकार के सहयोग से और भी 60% हमारे प्रधान जी धर्मवीर जी जुटे हुए हैं कि वो जल्दी मंगवा कर इनकी कार्यशैली को देखते हुए सभी खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि धर्मवीर जी को और शक्ति दें और बढ़िया काम चले। धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।